हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है समायरा नरूला एंड फैमिली। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कुछ व्लॉग आपके लिए लेकर आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज समायरा देखो बात करके यूनिफॉर्म पहन के ब्लैंकेट में बैठ चुकी है और स्कूल जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज क्यों ना समायरा के साथ एक चैलेंज ही हो जाए। चैलेंज? पर मम्मा मुझे तो स्कूल जाना है। तो फिर क्या हो गया, स्कूल जाने से पहले कर लेते हैं चैलेंज और बाकी का स्कूल से आने के बाद कर लेंगे। चैलेंज कौन सा है? समायरा सेज यस टू मम्मी फॉर 24 आवर्स। ओह माय गॉड, चलेगा? कर लोगे? मजा आएगा बहुत। देखो ठीक है, पर गंदे गंदे टास्क मत करवाना। नहीं करवाएंगे, इजी इजी वाले करवाएंगे और मस्ती वाले करवाएंगे। ओके ठीक है, वैसे तो, करवाना जैसे मैंने करवाए थे। हाँ, लेकिन मैं घर पे करवाऊंगी, बाहर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि आपको स्कूल जाना है, बाहर जाने का टाइम नहीं है। तो समायरा स्कूल जब जाती है तो ब्रेकफास्ट में मोस्टली सैंडविच खा के जाती है या फिर इडली खा के जाती है। तो सबसे पहला टास्क है कि मैं अपनी मर्जी का ब्रेकफास्ट इसके लिए बनाऊंगी, जो मैं बनाऊंगी आपको खाना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो चलो समायरा के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर आते हैं। तो ये रेडी हो चुका है समायरा का ब्रेकफास्ट। देखो मैंने क्या बनाया है। कटोरी में पोहा, पोहा देसी घी में पोहा बनाया मैंने और मटर भी डाले हैं। देखो यस, खा लोगे ना? और पूरी बाउल फिनिश करनी है। ओके, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, हो गया ब्रेकफास्ट आपका। तो देखते हैं समायरा ने बाउल पूरी फिनिश की है या नहीं। वेरी गुड, तो पहला टास्क समायरा ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और स्कूल जाने से पहले सिर्फ एक टास्क और दूंगी क्योंकि टाइम शॉर्ट है, ज्यादा यस नहीं करवा सकती हूं मैं। और सुबह सुबह समायरा को लगता है बहुत ही मुश्किल काम दूध पीना, तो मैं यहाँ पे लेकर आई हूं एक छोटा सा गिलास जिसको बोलते हैं गिलासी। तो समायरा इसमें दूध पिएगी और पूरा दूध फिनिश करेगी और दूध ऐसे पिएगी जैसे वो कैट होती है ना, कैट का फेवरेट दूध होता है, दूध देखते ही वो पागल हो जाती है कि मैं जल्दी से सारा दूध खत्म कर जाऊं, मालिक ना आ जाए। जल्दी, अभी आपके सामने? हाँ, मेरे सामने, यूट्यूब फैमिली के सामने। और सब्जी बन रही है आपके लिए, पता है क्या, जो मैंने बनाई है अपनी मर्जी से, आपसे बिना पूछे। आलू बैंगन, मैंने आपको आलू मटर बोला था। तो आज मेरी चलेगी ना। समायरा सेज यस टू मम्मी फॉर 24 आवर्स। तो आपको मैं जो खाने के लिए दूंगी आपको खाना पड़ेगा, मैं जो आपको करने के लिए बोलूंगी आपको करना पड़ेगा, तभी जाके बदला पूरा होगा उस दिन का। बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी इस दिन का। मेरे को तो डर लग रहा है कि मैं जब स्कूल से आऊंगी तब क्या होगा मेरा। तब की तब देखेंगे, आप एक बार स्कूल तो जाओ, 7-8 घंटे तो रिलैक्स करो। देखो हाँ, ऐसे करती है कैट, ऐसे करती है जैसे अभी किया था। कैसे, एक बार और? हाँ ऐसे। ऑलमोस्ट दूध समायरा ने पी लिया है और इसकी एक बहुत ज्यादा गंदी हैबिट है, थोड़ा सा दूध छोड़ देती है। आज वो भी नहीं छोड़ना है, दिखाओ जरा। हाँ, आज पूरा खाली कर दिया गिलास, देखो। तो सेकंड टास्क भी समायरा ने कर लिया है, मम्मा की बात मान ली है, मम्मा ने जो बोला उसमें यस कर दिया है। थैंक यू समायरा। तो बाकी के यस हम करवाएंगे जब स्कूल से आ जाएगी, क्योंकि अभी तो टाइम कम है इसीलिए। तो चलो जल्दी से इसको रेडी करते हैं, सिर्फ 10 मिनट्स बचे हैं और हमें निकलना है। तो फिर समायरा मिलेगी आपको स्कूल से आने के बाद, तो व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। तो चलो समायरा को रेडी करते हैं, स्कूल के लिए निकलते हैं और फिर शाम को आपसे मिलते हैं। मायरा स्कूल से आ चुकी है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो अब हम करेंगे फिर से अपना चैलेंज कंटिन्यू, से यस टू मम्मा। समायरा सेज यस टू मम्मा फॉर 24 आवर्स। तो सबसे पहले जो टास्क है ना, जो मैंने आपके लिए रेडी करके रखा है, वो है कि बकेट में कपड़े वॉश हो चुके हैं, आप जाकर ना ऊपर ड्राई करने के लिए रख के आओ। अकेले? नहीं, मैं साथ जाऊंगी, बट ड्राई उसको आप करोगे, तार पे डालने होते हैं ना जो, वो काम आप करोगे। इतने सारे कपड़े, कपड़े कितने हैं? कपड़े जितने भी हो, एक बकेट भरी हुई है। और फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मा ने इतनी बड़ी बाल्टी ली है और उसमें कितने सारे कपड़े हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इतनी बड़ी चादर। हाँ, तो फिर क्या होगा, आप डाल सकते हो ऊपर तार पे इसको।
नहीं नहीं, आपने मेरे को ये प्रैक्टिस दी हुई है कि क्लिप्स कैसे लगानी होती है कपड़े पर आपने मुझे ये नहीं प्रैक्टिस दी हुई कि कपड़े कैसे डालते हैं। तो आज यही तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलो चलो बाल्टी खुद उठाओ, बकेट हम छोड़ आते हैं, तो कपड़े आप डाल देना ऊपर तार पे। थैंक गॉड। चलो चलो। अरे ये तो चादर है, पिलो कवर है। हाँ पिलो कवर है। चलो क्लिप्स भी पड़े हैं आपके लिए। तो देखिए सुमायरा कैसे कपड़े डाल रही है तार पे। और अब जब नेक्स्ट टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी तो ये एटलीस्ट ड्राई तो कर सकेगी। अब जल्दी हम इसको वॉश करने भी सिखाएंगे। ये स्कूल चली गई, अगर आज छुट्टी होती ना सुमायरा तो मैं वॉश भी तेरे से करवाती, तेरे को फिर कपड़े धोने भी आ जाते और सुखाने भी आ जाते। सोचो मम्मा की हालत क्या होती होगी, रोज कपड़े नए नए पहनने हैं, ठीक है, बार बार चेंज करने हैं, थ्रो करने हैं, मम्मा धोए मम्मा सुखाए। अब पता चल रहा है कितना टफ टास्क होता है। yes. हाँ मम्मा बोलती सुमायरा सुबह तो पहनी आपने ये ड्रेस, अभी आप चेंज करो। मम्मा स्वेटिंग आ रही है, चलो डाल दिया मशीन के अंदर। कहती मशीन नहीं तो धोने होते हैं। अब ये पता चला ना बाल्टी उठा के जाना, तो सुमायरा ने कर लिया है 2 मिनट का रेस्ट। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट यस इससे क्या करवाऊं। इसने बहुत सारी यसेस करवाई थी जब ये चैलेंज इसने मेरे साथ किया था मार्केट में जाके। अब आज मेरी बारी है। तो गाइज आपको याद है ना तब मैंने क्या बोला था कि जब मैं ये चैलेंज करूंगी ना सुमायरा के साथ तो ऐसे ऐसे टास्क दूंगी ना ये याद रखेगी। तो अभी फिलहाल मुझे कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा है अच्छा सा जो मैं सुमायरा से यस करवाऊं। तो कोई इजी सा टास्क दे दो। चलो फिर हेड मसाज करो। ओह माय गॉड, करो विदाउट ऑयल। करो करो। ऐसा लग रहा है मम्मा सुमायरा की लाइफ कंट्रोल कर रही है। तो इसने उस दिन मेरी लाइफ भी कंट्रोल की थी, अभी आपकी टर्न बाकी है, आपकी भी करनी है लाइफ कंट्रोल। उसने सुमायरा चैलेंज पापा के साथ पेंडिंग है ना अभी। yes. वो भी हमें करना है। चैलेंज तब तक चलता रहेगा जब तक हम सो नहीं जाते, मुझे ये लाइन ना अभी तक याद है। तो मम्मा नेक्स्ट टास्क। नेक्स्ट क्या दूं, कोई होमवर्क है आपका नहीं आज? क्लास टेस्ट था वो मैंने आपको बता दिया, बुक में भूल गई। ओके फिर क्या करें, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लो, फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं आपके। मम्मा मैं बताऊं ये ना? बताओ क्या हो गया। मेरी मैंने कॉपी राइटिंग सबमिट करनी है ना, पर मैम ने एक हफ्ते से दे रखी है। फिर कौन करेगा उसको, कर लिया आपने या नहीं? सारा पेजेस ब्लैंक है। तो कौन करेगा उसको? मैं अभी सेकंड पेज पर। चलो फिर बुक लेकर आओ, कंप्लीट करो आज, पूरी बुक कंप्लीट करेगी सुमायरा। कौन सी जो सबमिट होनी है कल? हाँ कौन सी सबमिट होनी है? कन्नड़ा। कन्नड़ा की सबमिट होनी है ना, चलो फिर कन्नड़ा की राइटिंग बुक लेकर आओ। चलो चलो जल्दी। फ्रेंड्स ये देखिए, एक सब्जेक्ट की कॉपी राइटिंग लेने गई थी, पूरी कवर से नोटबुक्स बुक्स इसकी बाहर आ गई हैं। अब ये भी चैलेंज है इसको सेट में, स्माइल ही करेगी। ओ देखो कुछ ना कुछ गिर ही रहा है, ओवरलोड हो गई है इसकी कवर। चलो पहले इसको समेट दो फिर हम काम करते हैं अपना कंप्लीट। फाइनली जो एक्स्ट्रा बुक्स नोटबुक्स बाहर आ गई थी कवर से, स्माइला ने उसको अंदर रख दिया है। और 3 कॉपी राइटिंग कौन कौन से सब्जेक्ट की? ये इंग्लिश की है और ये है हिंदी की और ये है कन्नड़ा की। तो देखते हैं कितने कितने पेजेस पेंडिंग है इसके। इंग्लिश के दिखाओ। इंग्लिश में मैं हूँ, पहले तो इसकी हैंडराइटिंग देखते हैं हम। इधर करो, ये सुमायरा की इंग्लिश की हैंडराइटिंग है। कितने पेजेस की हैं? 13। और कितने हैं? 41। 64 पेजेस। और कल सबमिट करनी है आपने? सिर्फ एक ही करनी है। कौन सी? कन्नड़ा। तो कन्नड़ा के कितने पेजेस पेंडिंग है दिखाओ जरा। 7 पेजेस। तो ये सुमायरा की कन्नड़ा की हैंडराइटिंग है।
और कितने पेजेस हैं इसके, 44। सारी फिनिश करनी है, कल सबमिट करनी है। क्या रहे थे आप? एक हफ्ते का टाइम दिया था मैम। तो टॉयज के साथ इतना खेलोगे तो ये तो ऐसे ही होगा फिर। एक हफ्ते में 7 पेजेस किए इसने। हाँ तो 7 वीक्स 7 डेज होते हैं, तो एक एक डे मैंने किया ये पेजेस। तो बाकी कौन करेगा? इसने पता क्या किया, एक हफ्ते से बुक मिली हुई है, बोल रही है मैंने डेली एक एक पेज करके 7 पेजेस कर लिए। मम्मा मेरी तो इसमें ही बस हो गई, मेरा तो हाथ भी दुखने लग गया और ऐसा लग रहा है ना कि शरीर में एनर्जी नहीं है, और इतने सारे पेजेस देखकर तो वैसे भी घबराहट हो रही है। अब घबराहट हो रही है तो नींबू पानी दूं? 7 अप दे दो। 7 अप नहीं मिलेगी, उधर पड़ी है। नहीं, फ्रेश लाइम जूस पियो, एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, एनर्जी देने का एक और तरीका है मेरे पास। क्या? और तेरे लिए बहुत अच्छी चीज है वो। क्या? चलो आप डाइनिंग पर जाकर बैठो, आपकी बॉडी में एनर्जी वापस लेकर आते हैं। दूध? नहीं, आप बैठो। तो जैसे कि स्मायरा ने बोला कि बॉडी में एनर्जी खत्म हो चुकी है, एक भी पेज पूरा नहीं किया है और एनर्जी बिल्कुल नहीं है बॉडी में, तो एनर्जी वापस लाने के लिए मेरे पास था एक आइडिया, जो कि है ये एक प्लेट, आप देख सकते हैं, और मैंने एक पूरा एप्पल कट किया है और इसको स्मायरा करेगी आज फिनिश अकेले, एक भी पीस नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पिछले 3 दिन से ये एप्पल हमारे घर में पड़े हैं। स्मायरा के पापा जब भी फ्रिज खोलते हैं तो मुझे बोलते हैं कि 3 के 3 एप्पल मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूँ, कोई भी इसको नहीं खा रहा है, जबकि ये एप्पल सिर्फ स्मायरा के लिए आए थे और स्मायरा ने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किए। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसको पूरा एक एप्पल खिलाया जाए और ये इसको फिनिश करेगी और बॉडी में एनर्जी आएगी और फिर से अपनी बुक कंप्लीट करेगी। मम्मा, मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर ली है ये चैलेंज करवाकर। करवाकर या कर? सबसे पहले मैंने करवाई थी। तो क्यों करवाई? अभी तो शाम हुई है, अभी तो रात तक चलेगा ये चैलेंज, देखते जाओ क्या क्या होगा। मैं ना पागल हो चुका इस चैलेंज से। इतनी जल्दी? सच में हो चुका है, है। चलो शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी हरी आप। इससे अच्छा तो आप नींबू पानी दे देते, वो भी मिल जाएगा, एनर्जी फिर से चली जाएगी ना, एक पेज लिख के फिर नींबू पानी देंगे आपको। मैंने तो इसीलिए बोला था कि एनर्जी नहीं है, एनर्जी तो बहुत है बॉडी में, तो लिखने का मन नहीं है। तो पहले सच बोलते, फिर देखो कितने ड्रामे थे इसके। चलो इसी बहाने एप्पल तो खा रही है, अब जल्दी से प्लेट फिनिश कर दो, फिर हम नेक्स्ट यस पे बढ़ते हैं। मम्मा आपको चैलेंज की बड़ी है, यहाँ पर मेरे दांत टूटने को आ गया। फिर क्या, टूट जाएगा तो टूट जाएगा। अब दांत के लिए एप्पल छोड़ दें, दांत के लिए खाना छोड़ दें, खाओ। अब यूट्यूब फैमिली को भी दिखाते हैं कैसे तरह दांत टूटता है। यूट्यूब पर भी शेयर कर दो। आज यूट्यूब फैमिली भी साथ नहीं देगी आपका, यूट्यूब फैमिली आज मेरी तरफ है, मेरे पक्ष में है। फाइनली 2 पीसेस रह गए हैं और देखो कितनी बड़ी सजा लग रही है इसको एप्पल खाना। तो सजा ही है, सजा है ये, अभी तो फिर बहुत ज्यादा सजा मिलने वाली है आपको इसके बाद। मम्मा प्लीज ऐसी सजा मत दो, प्लीज। ऐसी सजा ही मिलेगी आपको। इतना तो मैंने नहीं किया था आपके साथ। आपने किया था, बहुत कुछ किया था आपने। मैंने शॉपिंग की थी, मैंने कैवेंटर शेक ऑर्डर किया था, पाव दिखाई थी। तो मैं भी तो खाना पीना ही कर रही हूँ ना, वो मेरे को खिला रही हूँ। हाँ तो जिस बंदे का चैलेंज होता है उसको खाना होता है। ऐसे उसको कैसे ऐश करना होता है। हाँ तो तेरे को ऐश करवा रही हूँ, मम्मी बच्चों को ऐश करवाती कि मम्मी खुद ऐश करती है? खुद नहीं, मम्मी खुद ऐश नहीं करती है, मम्मी अपने बच्चों को ऐश करवाती है। एक तो ऐश कर ही लिए कि समायरा ने कपड़े डाल लिए है। हाँ तो बाकी की ऐश तुझे ही करवा रही हूँ ना। चलो फाइनली एप्पल की प्लेट कर दी समायरा ने खत्म। या पकड़ो। वेरी गुड गाइस, कमेंट्स में क्लैपिंग कर दो जल्दी से। स्मायरा के पापा ने क्लैपिंग कर दी है, स्मायरा ने भी कर दी है, अब आप भी कमेंट्स में जल्दी से क्लैपिंग कर दो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। और एनर्जी आई?
Yes. चलो फिर कनाडा के पेजेस। मम्मा प्लीज। क्या आप चैलेंज को ओवर ओवर करेंगे रात को जब हम बेड पे सोने के लिए जाएंगे? प्लीज नो सॉरी से यस टू मम्मा। ऐसे बोलते थे ना आप मार्केट में, मम्मा से यस टू स्माइरा, इट्स यस चैलेंज मम्मा। आप भूल जाते हो, तो आप भी भूल जाते हो बेबी। चलो चलो दो तीन पेज करो फिर एनर्जी खत्म होगी, फिर आपको फिर से एनर्जी देंगे हम। मम्मा प्लीज अभी कोई और काम दे दो। काम ही वही है आपका, और टास्क नहीं है? टास्क फिर प्लेट किचन में रख खराब। चलो टास्क मिल गया, ये तो इजी है। यस चलो दूसरा भी इजी बताओ। अब कोई दूसरा भी इजी सा बताओ। इजी तो यही है बेटा कि कल बुक सबमिट करनी है, मैं अगर छोड़ दूंगी वो काम आपको करवाना तो फिर मैम कल डांटेंगी आपको। तो सुमायरा यहाँ पे पहुंच चुकी है कौन से पेज नंबर पर? 20। तो बुक के हाफ पेजेस इसने कंप्लीट कर लिए हैं। yes. और देखो कितना टायर्ड लग रही है, बैटरी डाउन हो गई है। yes, बैटरी डाउन हो गई है। एनर्जी खत्म हो गई है। yes, खत्म हो गई है। तो जो काम मैम ने दिया था उसको टाइम पे करते तो आज ये ना होता ना। किया तो था, हफ्ते से मिली हुई है ये बुक, तो हफ्ते में कितने डेज होते हैं? 7। तो मैंने 7 पेजेस पहले से ही कंप्लीट कर लिए थे। तो फिर मैम को आप बोलते ना मैम 7 डेज में हम 7 पेजेस करेंगे, पूरी बुक थोड़ी ना खत्म कर लेंगे। मैम कहती आपको रोज दो दो पेजेस करने चाहिए थे, तीन तीन पेजेस करने चाहिए थे। तो तीन तीन भी करो तो कितना हो गया? 21 पेजेस होते। 3 पेज अगर आप एक दिन में करते तो वीक में 21 कंप्लीट होते, हाफ बुक होती तो बोलना कि मैम वो तो मेरी हो चुकी है, ये लो एक पेज और कर ले बस। अच्छा फिर एनर्जी बूस्टर चाहिए। yes. चलो स्माइरा को एनर्जी फिर से देते हैं। ओके तो जैसे कि मैंने बोला कि स्माइरा को एनर्जी देते हैं, और एनर्जी किससे मिलती है? प्रोटीन से। और प्रोटीन किस में होते हैं? दाल में। पल्सेस में। हाँ तो ये कौन सी दालें पहले ये देखते हैं? सारी दालें, मतलब ये मिक्स दाल है। हाँ ये मिक्स दाल है, आपको अच्छी लगती है ना इसीलिए मैंने बनाई है। गरम है, देसी घी भी डाला है मैंने आपके लिए ताकि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाए और मैं सारी बुक फिनिश कर दूँ। हाँ तो ये वाला टास्क जो है ना ये बहुत बड़ा है। वो तो है। और ये दाल मैंने स्माइरा को क्यों दी है, साथ में रोटी क्यों नहीं दी? स्माइरा आपको पता है मैंने रोटी क्यों नहीं दी आपको दाल के साथ? तो 8 बजे वैसे। हाँ इसीलिए तो रोटी नहीं दी, 8 बजे हैं, 8 बजे रोटी कौन खाता है? पर मम्मा इतनी जल्दी दाल क्यों? क्योंकि स्माइरा रोटी के बाद जो दाल बच जाती है वो ऐसे नहीं खाती है, ना ही रोटी से पहले खाती है। बस जितनी दाल मैं इसको दे दूं रोटी के साथ जो इसने लगा लगा के खा ली उसके बाद ये दाल नहीं खाती है। और गुड हैबिट क्या होती है कि खाना खाने से पहले दाल की एक कटोरी आपको खानी है जिससे आपको प्रोटीन मिलता है। इसीलिए स्माइरा को आज से ये हैबिट डाल दी है मैंने, अगर नहीं खाएगी कल से फिर कल फिर ऐसा ही चैलेंज, और वो चैलेंज होगा सिर्फ खाने पीने का, और मैं सारी चीजें खिलाऊंगी जो आप नहीं खाते हो। Okay. क्योंकि अब मैं मार्केट तो जा नहीं सकती हूँ, मैं बोलूँ सुमायरा मुझे ड्रेस लेकर दो, सुमायरा मुझे पाव भाजी खिलाओ, जैसे ये डिमांड कर रही थी ना, सुमायरा मुझे कोवेंटर का शेक पिलाओ, मैं तो इसको खिला सकती हूँ जो ये नहीं खाती है, इसको हैबिट तो डालनी है ना। yes. चलो टेस्ट करके बताओ कैसी दाल बनी है। गरम। गरम तो है, जस्ट अभी तो मैंने बनाई है, धुआं निकल रहा है। टेस्टी है। यस टेस्टी है। फिनिश हो जाएगी ना बाउल, अगर आज ये दाल की बाउल फिनिश करेगी तो इसको डिनर मिलेगा। से यस आई विल फिनिश दिस बाउल। यस आई विल फिनिश दिस बाउल। चलो जल्दी फिनिश करो गाइस, ये बाउल फिनिश कर ले फिर हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे स्माइरा की दाल हो चुकी है फाइनली खत्म। एनर्जी आई? यस। दाल इतनी टेस्टी है कि खाली बाउल को भी नहीं छोड़ रही है, ये देखो चट कर जाएगी अब पूरी। चलो बस बहुत है। आपने बोला था ना सुबह कि आपको बिल्ली की जैसे चाटना है। बिल्ली की तरह दूध चाटना है, वो भी आपको दूंगी मैं।
जब तक सुमायरा अपना स्कूल का काम खत्म करती है तब तक हम बना लेते हैं रोटी, और सुमायरा ने कल स्कूल भी जाना है तो जल्दी से डिनर करवा देंगे उसको और टाइम से सुला देंगे। लेकिन यस चैलेंज अभी पेंडिंग है तो रोटी बनाने के बाद उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे सुमायरा ने अपने 5-6 पेजेस और कंप्लीट कर लिए हैं और फिर से एनर्जी डाउन हो गई है और अभी तो नींद भी आने लग गई है, बेचारी थक गई है चैलेंज करते करते। अभी तो घर पे बैठ के कर रहे हैं, हमें तूने कितना भगाया था। वो तो अब एस्केलेटर से गए थे। अच्छा तो बाकी मॉल के अंदर तो चलना पड़ता है ना। चलो आप डिनर कर लो पहले। ये मैंने पढ़ाई की वजह से वीडियोस ही नहीं बन पाती है सुमायरा की। इतना काम। तो सुमायरा को मैंने डिनर दे दिया है, ये सैलेड भी रखा हुआ है आपके लिए। और खाने के टाइम पे सुमायरा को कोई चैलेंज नहीं देंगे फाइनली, क्योंकि खाना पीसफुली खाने देते हैं इसको। मेरी विश है मेरे को खाना खिला। तो तेरी विश मैं क्यों पूरी करूंगी, तू मेरी विश पूरी करेगी ना। आज चैलेंज ऑपोजिट है, भूल जाती है ये। पार्ट टू करूंगी आपके। पार्ट टू मैंने करना है। अभी आज मैं तेरे को छोड़ रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और तूने कल स्कूल जाना है। रहम कर रही हूँ मैं तेरे पे। अब जल्दी से खाना फिनिश करो बस। हाँ तो पूरा दिन देखो कितने घंटे का गैप आ गया, 7-8 घंटे का तो गैप भी आ गया कि चैलेंज नहीं करना पड़ा आपको। ये दाल फिनिश करनी है, ये रोटी फिनिश करनी है, सैलेड जितना खा सको और रोटी और लेनी है। बस रोटी के टाइम पे यही चैलेंज है। ओके मम्मा, तो आप कह रहे हो अब कोई चैलेंज नहीं होगा तो इसका मतलब मैं फ्री हूँ अब। खाना खा रहे हो ना, फ्री कहाँ हूँ। खाना खाने के बाद मैं आराम से सो सकती हूँ। मतलब जब तक सोते नहीं तब तक ये चैलेंज चलता रहेगा। जब हम अच्छे से सो जाएंगे इट मींस चैलेंज ओवर हो गया। सुमायरा का डायलॉग सुमायरा पे ही भारी। चलो चलो डिनर करो उसके बाद देखते हैं। चलो ठीक है, आप टायर्ड हो चुके हो ना ये चैलेंज करके। खाना खाने के बाद सिर्फ एक लास्ट चैलेंज, लास्ट यस, लास्ट यस, और बहुत ज्यादा इजी आपके लिए वो। देखते हैं इजी भी है या नहीं। बहुत इजी है, उसके बाद आपको आराम से नींद आएगी। ठीक है सिर्फ एक चैलेंज लास्ट। तो फ्रेंड्स हम सब ने डिनर कर लिया है और हम बेडरूम में आ चुके हैं। रात के बज गए हैं 10:30। सुमायरा को यहाँ पे आ रही है नींद, लेकिन मैं इसको सोने नहीं दूंगी क्योंकि अभी चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ है, एक टास्क बाकी है। मैंने बोला था ना कि आफ्टर डिनर सिर्फ एक यस, और बहुत ईजी है। बताओ आपकी नींद टूट जाएगी वो चैलेंज सुनकर। बताओ कि सुमायरा आज मुझे देगी बाकी के बचे हुए मेरे बर्थडे गिफ्ट्स। मगर उसका हम अलग से ब्लॉग बनाएंगे ना। नहीं, से यस टू मम्मा। आपने बोला था ना कि 2-3 दिन वेट करवाते हैं, अब 2-3 दिन तो हो गए हैं। तो वो हाइड है। कहाँ पे पड़े हैं? पापा को पता है, मेरे को भी पता है, पर मैं खोल नहीं सकती हूँ। आप पापा को बोलो फिर। पापा। पापा को सुनाई नहीं दिया। पापा इधर आए तो बोलिए। हमने मामा के लिए गिफ्ट कहाँ छुपाए हैं? क्यों? क्योंकि मामा पूछ रही है। मैंने बोला कि अभी लास्ट यस है ना आज की, तो गिफ्ट दे दो। दे दो, निकाल कर लाने पड़ेंगे। चलो चलते हैं। कहाँ पड़े हैं? चलते हैं बाहर। डिक्की। ओ माय गॉड, गाड़ी की डिक्की में देखो कितने शैतान है बाप बेटी दोनों। चलो लेकर आओ जल्दी से, आज हम गिफ्ट्स लेकर रहेंगे। तो फाइनली पापा गिफ्ट्स लेकर आ चुके हैं। तो मम्मा वैसे मेरा मन तो नहीं था आपको ये गिफ्ट देने के लिए, तो अब देने पड़ेंगे क्योंकि ये चैलेंज है। पर मैं डिसाइड करूंगी आपको सबसे पहले कौन सा अनबॉक्स करना है। क्यों, इसमें एक से ज्यादा है? वाओ, फिर तो कोई बात नहीं, आप जो बोलोगे हम वही अनबॉक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे गिफ्ट है। 1 पता नहीं चल रहा है, इसमें तो चॉकलेट लग रहा है मुझे। 3 इसमें जेम्स लग रहा है, मैंने अपने लिए लेकर आई है। 4 ये सबसे भारी है। 1, 2, 3, 4, 5 तो सबसे पहले कौन सा अनबॉक्स करना है? आपको करना चाहिए ये वाला। ठीक है तो ये वाला गिफ्ट अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। इयररिंग्स।
पिंक कलर के। ये मेरी चॉइस के हैं। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है सुमायरा। अब ये डेयरी मिल्क है, मुझे बताओ। नहीं, इयर रिंग्स है। पैकिंग देखे तो मुझे डेयरी मिल्क ही लग रहा था कि सुमायरा छोटे छोटे गिफ्ट मेरे लिए ढूंढ के लाई है और कुछ मिला नहीं होगा इसको, इसने चॉकलेट पैक कर दिया। तो ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट। उसके बाद इसमें क्या है? अब आप इसको जैम नहीं कह सकते। चलो अब ओपन करके पता चलेगा इसमें क्या है। ये हम पता क्यों लिख रहे हैं? पर्पल वाला जो हमने मम्मा को प्री बर्थडे पर सूट दिया उसके साथ मैच कर। तो इयर रिंग के अलावा कुछ और नहीं मिला आप दोनों को? हम इतना ही कंफ्यूज हो गए थे कि क्या लें क्या लें। तो मुझे फोन कर लेते, मैं बता देती आपको। फिर वो गिफ्ट कहेगा। तो ये पर्पल कलर के इयर रिंग्स, ये भी बहुत सुंदर लगे मुझे। ड्रेस के साथ पहनेंगे इसको, और ड्रेस ऑल्टर करवानी पड़ेगी, बहुत बड़ा साइज लेकर आ गए हैं ये दोनों। तो मैं आपको साइज ही नहीं पता, मैं पूछती हूँ मम्मा आपका साइज। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, मुझे फोन कर लेते फिर आपको पता चल जाता। फिर क्या हुआ पता? ड्रेस लेकर आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, खैर गिफ्ट से मतलब है मुझे। तो ये थर्ड गिफ्ट मैं खोलने जा रही हूँ, इसमें देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स ये तीनों में सस्ते वाले हैं। मुझे तो सारे सस्ते लग रहे हैं जिस हिसाब से मैं पैकिंग देख रही हूँ। नहीं, नहीं नहीं, ये दोनों महंगी है। ये लो, इसमें भी ज्वेलरी है। ओपन करके दिखाती हूँ। पापा ने बोला जो सस्ते मिल रहे ना वो ले लो, क्योंकि हमारे दिमाग भी नहीं आ रहा था ये ले वो ले, और हमें साइज नहीं पता था मम्मा का। ब्लैक कलर की इयर रिंग्स, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इसमें पर्पल नहीं मिले क्या आपको? ये ज्यादा सुंदर ग्रीन था। सबसे सुंदर ये है। आपको कौन से लगे सबसे सुंदर, पिंक पर्पल या फिर ब्लैक? कमेंट करके जल्दी से बताइए। उसके बाद कौन सा अनबॉक्स करना है? इसमें क्या है? ये नेकलेस मैं भूल गई। चलो ओपन करके देख लेते हैं। नेकलेस तो नहीं लेकर आए थे। अब बोल रहे थे ना मेरी ये चीज टूट चुकी है, तब यही ले आई उठा के। नहीं चलो दिखाओ ये थी फैमिली को। इसीलिए तो मैंने अलग ब्लॉग बनाना था। ये जूते देकर चप्पल देकर मुझे भी मजा आ रहा है चैलेंज में। मेरा साइज ना चप्पल का 36 था। हाँ तो एक साइज बड़े है, अब अच्छे से कंफर्टेबल रहोगे। लूज रहेगी, बड़ी रहेगी। मुझे डिजाइन देखो कितना अच्छा, डिजाइन तो बहुत सुंदर है, कलर भी अच्छा। आपको डिजाइन से मतलब है, गिफ्ट से मतलब है, आपको साइज से क्या मतलब है? फिर ठीक है, मेरे को नहीं आएगा साइज तो बड़े होकर आप पहन लेना इसको, हम संभाल के रख देंगे। हाँ तो जब आप बड़े हो जाओगे और थोड़ा तब आप पहन लेंगे। मैं नहीं हूँ क्या बड़े होना है। चलो सुंदर है, चप्पल भी अच्छी है, कलर भी अच्छा है। ये हैवीएस्ट गिफ्ट, ये प्रैंक होगा, ये पक्की बात है। ये प्रैंक नहीं है, ये थोड़ा जो एक्सप्रेशन दे रही है ना, मैं समझ रही हूँ। और एंड पे कि मम्मा को पहले गिफ्ट दे देते, मम्मी खुश हो जाएगी, अरे वाह मायरा मेरे लिए ज्वेलरी लेकर आई है, फुटवेयर लेकर आई है। तो इसमें पक्का प्रैंक होगा, मेरी फीलिंग है। इसके अंदर कुछ और भी हो सकते हैं। देखो देखो ड्रामे देखो इसके। चलो अनबॉक्स करते हैं। अगर प्रैंक हुआ ना सुमायरा तेरी खैर नहीं, फिर मैं प्रैंक है ही नहीं। फिर मैं एक और यस करवाऊंगी इसके बाद, अगर इसमें प्रैंक हुआ तो। ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं। इस चीज को हम प्रैंक नहीं कह सकते। अब आपको आइडिया लग गया होगा, इसीलिए ध्यान से आपका ही है। मेरे को तो खैर कुछ नहीं है, पर हमारे पैसों का है वो दिक्कत है। खाली है गाइस, खाली है ये। खाली है, खोल कर देख लीजिए। खाली है इसीलिए मेरे को टीज कर रही है, बहुत भारी है, टूट सकता है, हमारे पैसों का खोलो, है। खोलो फिर खोलो। ये देख कवर है। सच में कहीं डमी तो नहीं है? एक बार ऐसा हुआ था ना, डमी दिया था आपने मुझे। डमी के ना यहाँ पर कुछ लिखा होता है, यहाँ पर है
ये डमी लग रहा है मुझे, तो ऑन ही नहीं हो रहा है। अगर ये डमी है तो उन्होंने ये कवर क्यों दिए? फोन है, वीवो 5G फोन है, चार्जर क्यों नहीं है? अच्छा, ओ इसीलिए, इसीलिए प्रैंक नहीं था, स्माइला बच गई। कवर, अगर आप इतने दिनों से फोन लेकर रखा हुआ था तो आपको बिल्कुल भी तरस नहीं आया कि मम्मी को दे दे, मम्मी यूज कर ले इसको, क्योंकि मेरे फोन की बैटरी खराब हो चुकी है, मैं चार्ज करती हूँ उसको, वो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है फोन, तो इसीलिए इन्होंने फोन लिया है। और देखो पिछले 3 दिन से ये फोन बेचारा गाड़ी की डिग्गी में पड़ा हुआ था, मुझे पता तक नहीं था। कैमरा अच्छा, स्माइला सेल्फी लेते हैं, ये देखो अच्छी आई है ना स्माइला के साथ पहली सेल्फी नए फोन में, वाओ वेरी ब्यूटीफुल। कितने का आया ये, बिल है क्या? बिल नहीं है। बहुत अच्छा है वैसे, बाकी हम एक्सप्लोर करेंगे इसको सुबह और इसको यूज करेंगे, स्माइला की वीडियो बनाएंगे। बहुत अच्छा गिफ्ट लगा मुझे, बहुत अच्छा। तो पुराना फोन दो। अभी कैसे दे दू, पुराने फोन में बहुत डाटा है, कॉन्टेक्ट नंबर है। दे दूंगी। तो फ्रेंड्स फाइनली स्माइला से हमने गिफ्ट ले लिए हैं यस यस के चक्कर में। तो आपको कौन सा गिफ्ट ज्यादा अच्छा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, ये ज्वेलरी यानी कि इयररिंग्स, फुटवियर या फिर फोन। चलिए व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, स्माइला ने फाइनली से यस टू मम्मी फॉर 24 आवर्स चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है। आई एम सो हैप्पी कि जो मैंने स्माइला को बोला स्माइला ने वो किया, इवन ये नहीं करना चाहती थी गिफ्ट वाला, तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना सोते सोते इसे गिफ्ट ही मांग ले, इसी बहाने मुझे गिफ्ट्स मिल जाएंगे और स्माइला ना भी नहीं बोल सकती है क्योंकि से यस चैलेंज था। तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।